हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप फील कर रहे होंगे कि ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, रजाई से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि जो शीत लहर है यानी कि जो ठंड है वो अभी कई दिनों तक और चलने वाली है, यानी ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में डीएम ने आदेश किया है कि कक्षा एक यानी कि क्लास वन से लेकर क्लास 12 तक जो आपके क्लासेस हैं वो सभी ऑफ कर दी गई है, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की सभी बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक यानी 7 जनवरी तक सभी की छुट्टी है। यहाँ आप देख भी रहे होंगे, ये डीएम का आदेश जारी किया गया था जिसका ये ऑफिशियल नोटिस है जिसमें सभी कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन भी की गई है। और ये जो इन्फॉर्मेशन ये 2 तारीख को, यानी कि ये आदेश 2 तारीख को आया था कल रात को, और इसमें इन्होंने बताया है कि सभी क्लास के बच्चों का यानी 1 से 12 तक के सभी क्लास के बच्चों का जो कॉलेज है या स्कूल है वो ऑफ कर दिया गया है। और यह आदेश सभी स्टूडेंट, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, यानी सबके लिए लागू किया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। यह मेंशन किया गया है कि मौसम विभाग द्वारा आज दिनांक 2/1/2023 को जारी की गई शीतलहर की चेतावनी के दृष्टिगत जनपद लखनऊ के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बोर्ड्स की कक्षा 12 तक के समस्त सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट विद्यालयों में दिनांक 4/1/2023 से 7/1/2023 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह आदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों पर भी लागू होगा, यानी सभी टाइप के स्कूलों पर ये आदेश लागू होगा, सभी की छुट्टी हो गई है। ये आदेश सभी स्टूडेंट, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए लागू होगा। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रामाणिकता को जनपद की वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है, यानी कि जो लखनऊ की वेबसाइट है ऑफिशियल www.lucknow.nic.in, उस पर आप इस आदेश को चेक भी कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को ये डाउट है कि ये फर्जी नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पूर्व में आदेशित परिषदीय विश्वविद्यालयों में शीतकालीन अवकाश दिनांक 31/12/2022 से 14/1/2023 तक यथागत रहेगा, यानी कि जो पहले जिन लोगों ने विंटर वेकेशन स्टार्ट कर दिया था, विंटर वेकेशन दे दिया था, उनका विंटर वेकेशन वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं होगी। और बाकी जिनका विंटर वेकेशन नहीं चल रहा था, उनका विंटर वेकेशन अब हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। रहिए रजाई के अंदर, रहिए स्वेटर पहने, रहिए ठंड ना लगने पाए, वरना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये भी हो गई है तो आराम से घर में रहिए, पढ़ाई। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ठंड लग रही है या नहीं लग रही, या आप भी राहुल गांधी के तरीके हैं जिन्हें ठंड नहीं लगती है। थैंक यू।